भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सर्किट हाउस के सभागार में मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर पहली बार काम करने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती तक सेवा पखवाड़ा के रूप में भारतीय जनता पार्टी बड़ा आयोजक शुरू करने जा रही है। उसमें रचनात्मक कार्य, सेवा कार्य और प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व से जुड़े विषय एवं उनके जीवन पर अनेकों प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में हमेशा भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल से लड़ती है। 17 नगर निगम और 199 नगर पालिका सहित कुल 734 नगर निकायों का चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी विशेष रणनीति बनाकर अपने कार्यकर्ताओं के काम के आधार पर और सरकार ने जो नगर निकाय पर काम किया है उन कामों के आधार पर देश और प्रदेश के विषयों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा, मैंने सुभाष यदुवंश जी, कामेश्वर जी, समीर जी, मेरे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष मनोनीत होने के बाद पार्टी ने तय किया कि क्षेत्रीय स्तर पर हम लोगों को पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलना है अलग अलग बैठकों के माध्यम से। तो मैंने पश्चिम क्षेत्र की, ब्रज क्षेत्र की बरेली में, कानपुर क्षेत्र की लखनऊ और बनारस, काशी क्षेत्र की बैठकें हम लोगों ने कर ली। गोरखपुर रह गया था, उसके बीच में माने धर्मपाल सिंह जी का, हमारे संगठन मंत्री हैं, उनका प्रवास गोरखपुर हुआ था। तो माननीय अध्यक्ष जी ने तय किया कि हमें कमिश्नरी के हिसाब से जाना, तो अपने क्षेत्र को हम 3 दिन में करेंगे। तो कल मैंने बस्ती मंडल के सभी 3 जिलों के पार्टी के कार्यकर्ताओं से, अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों से और माननीय जनप्रतिनिधियों से अलग अलग बैठ के बातचीत की है। आज इसी क्रम को दोहराते हुए पहले संगठन के 5 जिलों के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ और बाद में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके जो पार्टी का निर्धारित एजेंडा है हम लोगों ने तय किया है, उस पर चर्चा की है। तो पहला विषय तो ये, मैं पहली बार मुझे ये काम मिला है तो कार्यकर्ताओं से सबसे परिचय हो जा, बड़ा क्योंकि संगठन में मुझे पहली बार उत्तर प्रदेश के काम करने का मौका मिला। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस से कल से और महात्मा गांधी जी की जयंती तक 15 दिन का सेवा पखवाड़ा के रूप में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा आयोजन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। उसमें रचनात्मक कार्य, सेवा के कार्य और देश के प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व से जुड़े विषय और उनके जीवन पर अनेकों प्रदर्शनी, कार्य सम्मेलन हम लोग आयोजित कर रहे हैं। अगला विषय हमारी पार्टी का है, हम लोग निकाय चुनाव में हमेशा अपनी पार्टी के सिंबल से लड़ते रहे। इस बार 17 नगर निगम और 199 नगर पालिका और कुल 734 नगर निकाय नगर का चुनाव होना है। अभी जो शहरी क्षेत्र का सीमा विस्तार हुआ है नगर निकायों का, उस पर परिसीमन का काम चल रहा है, मुझे लगता अंतिम अवस्था में है। इसके बाद वार्डों के हिसाब से मतदाता सूची बनेगी और मतदाता सूची के बाद पोलिंग स्टेशन और पोलिंग स्टेशन के बाद आरक्षण और आरक्षण के बाद चुनाव। चुनाव निश्चित समय अवधि में होने हैं। सामान्यतः पिछली बार दिसंबर के पहले सप्ताह में सभी निर्वाचित नगर निकाय प्रतिनिधियों की शपथ हुई थी, तो उसी समय अवधि में हमें चुनाव कराने हैं। भारतीय जनता पार्टी विशेष रणनीति बनाकर अपने कार्यकर्ताओं के काम के आधार पर, उनकी सक्रियता के आधार पर और सरकारों ने नगर निकायों में जो काम किए हैं उन कामों के आधार पर हम देश के, प्रदेश के विषयों को लेकर
जनता के बीच में जाएंगे और हम लोग सभी वार्डों में और सभी नगर निकायों के सभापतियों में मेयर में हम लोगों का लक्ष्य है कि हम सब चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि नगर निकायों में मेयर, सभासद, नगर पालिका अध्यक्ष और सभासद और नगर पंचायतों के अध्यक्ष और सभासद, ये बड़ी श्रृंखला है। सभी सिंबल पे लड़ेंगे? सभी, जो सब जगह सभासद का भी? हाँ बिल्कुल, हम संकल्पित हैं कि कोई वार्ड छोड़ेंगे नहीं, चाहे हमारे अनुकूल है या हमारे प्रतिकूल। और मुझे विश्वास है कि हम अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता, मेहनत के आधार पर अच्छे राजनीतिक परिणाम लेकर आए। तीसरा विषय हमारे एजेंडे का है विधान परिषद के चुनाव। तो तीन सीटों का स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव है, गोरखपुर अयोध्या, लखनऊ उन्नाव और मुरादाबाद बरेली। इन तीन सीटों पर विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होना है, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। दो सीटों का शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव है, झांसी, बांदा, प्रयागराज और कानपुर और उन्नाव, ये दो सीटों। स्नातक वाली तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग सभासद हैं, सिटिंग पार्षद हैं या सिटिंग विधान परिषद के सदस्य हैं। और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र पर हम लोग पहली बार चुनाव लड़ेंगे, पिछली बार लड़े थे जो सीटें, उसमें से अधिकांश हम सीटें जीते भी थे। इन सीटों चुनावों में सामान्यतः जो मतदाता सूची है वो हर चुनाव में नई बनती है, सभी मतदाताओं को नया रिन्यूअल कराना या नए मतदाताओं को बनने का अवसर मिलता है। तो अक्टूबर माह में मतदाता बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी और दिसंबर माह तक ये अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हो जाएगी और संभवतः जनवरी फरवरी में चुनाव होंगे। तो हम लोगों ने पार्टी की तरफ से जो रचना इस चुनाव की भी बना ली है, हम तीनों सीटें हमारे सभासद जो वर्तमान में जीते हुए हैं वो तीनों सीटें हम जीतेंगे और हम लोग लक्षित करके अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के काम के आधार पर, मेहनत के आधार पर, जो नए दोनों शिक्षक चुनाव हैं हमारे लिए नए हैं वो हम निश्चित रूप से, मुझे विश्वास है, हम लोग जीतकर सदन में अपनी संख्या बढ़ाने का काम करेंगे। ये तीन विषयों को लेकर आज पार्टी के बैठकों में, कार्यक्रमों में आज चर्चा हुई है। बाद में माने जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठना हुआ है तो जनप्रतिनिधियों को भी हमने आग्रह किया है कि भाई अपनी पार्टी की बात और अपने सरकार की बात नीचे तक पहुंचानी है और नगर निकायों में, MLC के चुनाव में सबको लगना है। 2024 में लोकसभा का चुनाव से पहले ये नगर निकाय के बड़े चुनाव, इसमें लगभग 25-26% मतदाता प्रदेश के प्रतिभाग करेंगे, तो हम लक्षित करके बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। और मुझे विश्वास है कि हम नेतृत्व के विश्वास के आधार पर, जो जनता में हमारी लीडरशिप के प्रति लोगों का विश्वास है, उस लीडरशिप के विश्वास के आधार पर हम नगर निकाय भी जीतेंगे, हम MLC भी जीतेंगे और लोकसभा की सारी सीटें जीतने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है। हम लोगों ने नगर निकाय की बेहतरी के लिए काम किया है, चाहे स्वच्छता से जुड़े विषय हों, चाहे स्वच्छ पेयजल से जुड़े विषय हों, चाहे स्मार्ट प्रोजेक्ट के रूप में, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के रूप में काम हम लोगों ने किए, ये काम हम लोगों ने किए। कुछ समस्याएं हैं, सरकार सभी के बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से प्रदेश की जनता का हमें विश्वास दिलाता हूँ अपनी सरकार की तरफ से, अपने माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की ओर से, कि हम बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, जो कमी रह गई उसे आगे करें। देखो, कांग्रेस की भूमिका को लेकर तो सब लोगों को जानकारी है और राहुल गांधी को अगर जानकारी होती तो राहुल गांधी को यात्रा पाकिस्तान से शुरू करनी चाहिए थी, क्योंकि उनके दादा परदादा के समय ही भारत टूटा था, उसके बाद तो भारत का कोई विभाजन हुआ नहीं, तो किस भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं जी? वो कन्याकुमारी से वो यात्रा निकाल रहे हैं, अगर उन्हें थोड़ा सेंस हो तो उन्हें कराची से यात्रा निकालनी चाहिए, ढाका से यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि वो हिस्सा टूटा ना हिंदुस्तान से। सरकार मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए और बेहतरी के लिए और बेहतर
तकनीक इस्तेमाल के लिए हम लोग सर्वे करा रहे हैं। जो कमी पाई जाएंगी, सरकार का संकल्प है, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, हम उसके लिए काम कर रहे हैं, मदरसों की बेहतरी के लिए काम। तो अखिलेश अपने पारिवारिक द्वंद्व से जूझ रहे हैं, उन्हें अपने चाचा के बारे में क्या सोचते हैं, वो रामपुर वाले चाचा के बारे में क्या सोचते हैं, छोटी भौजाई के बारे में क्या सोचते हैं, अपने गठबंधन के साथियों के बारे में क्या सोचते हैं, जिनके साथ मिलकर 2022 में गठबंधन करके चुनाव लड़े वो उनके साथी कहाँ हैं जी। तो उनकी पार्टी आंतरिक अंतर्विरोध से जूझ रही है, वो इन सब बातों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के प्रलाप कर रहे हैं। प्रदेश की जनता सारे विषयों को समझती है। देखो, हमारे लिए गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में राज्य में सरकार है और सरकारें बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रही हैं। हमारे घोषणा पत्र आप निकलवा लो, हमारे संकल्प पत्र निकलवा लो, जनसंघ से आज तक के हम उसी आधार पर चुनाव लड़े हैं। हमने जनता से इन्हीं विषयों को लेकर अपने पक्ष में मतदान करने की बात कही है। हमने 1951 में कहा भाजपा की या जनसंघ की सरकार आएगी तो कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे। उस समय सोचता था कि सरकार आएगी, सरकार आई 63 साल बाद, हमने क्या किया आपके संज्ञान में। हमने 1964 में तय किया हमारी सरकार आएगी तो हम देश को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाएंगे। 1998 में जब हमें अवसर मिला, हमने परमाणु विस्फोट किया, दुनिया की कोई पावर चिंता नहीं की हमने। हमारी सरकार आई तो हमने 1988 में कहा, उस समय सरकार नहीं थी जी, कि हमारी सरकार आएगी तो भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण कराएंगे। आपको जानकारी, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, ये सब हमारे एजेंडे में है जी। आप निकलवा लो पिछले 50 साल के हमारे घोषणा पत्र। और हमारे लिए, सब कार्यकर्ताओं के लिए जो 5 पीढ़ी खत्म हुई है बीजेपी को लाने के यहाँ, उनके लिए बहुत गर्व की बात है कि सरकार हमारे एजेंडे को पूरा कर रही है, चाहे केंद्र की सरकार हो मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे राज्य की सरकार हो माननीय योगी जी के नेतृत्व में। देखो, मैं आपसे 2019 में सारे दल हमारे खिलाफ होकर लड़े, एक तरफ बीजेपी थी, एक तरफ सारे दल थे, सपा भी थी, बसपा भी थी, कांग्रेस भी थी, राष्ट्रीय लोकदल भी थी, सारे दल थे। और आपने देखा सपा बसपा तो एक समय प्रदेश में राज करने वाले दल, बहुमत की सरकार चलाने वाले दल थे। 2007 से 2012 तक बहन जी ने पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई बसपा ने, 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार ने चलाई, दोनों ने गठबंधन कर लिया। कांग्रेस भी 50 साल तक देश में राज करने वाली पार्टी थी, वो भी उसका हिस्सा बन गई, राष्ट्रीय लोकदल भी उस गठबंधन का भाग था, सब ने चुनाव लड़ते। आपने परिणाम देखे, 80% लोकसभा की सीटें और 51% वोट भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश की महान जनता ने दिया। आप देखेंगे कि बीजेपी की का कार्यकर्ता का गठबंधन जनता से है और जनता का गठबंधन मोदी जी और योगी जी से है। कुछ नहीं होगा जी, हम 100% सीटें जीतेंगे लोकसभा की। इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संकल्प है और हमने विशेष रणनीति बनाकर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के आधार पर और अपनी पार्टी के नेतृत्व के विश्वास के आधार पर हमने संकल्प लिया सबने मिलकर कि हम लोकसभा की 100% सीटें जीतेंगे। देखो, मेरा अपना इसमें मत ये है, मैं किसान समुदाय से आता हूँ, मेरे लिए गर्व की बात है, मैं पश्चिम से आता हूँ, मेरे लिए भी गर्व की बात है। पश्चिम भी उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है, ऐसा तो है नहीं जी पश्चिम को उत्तर प्रदेश से अलग का हिस्सा है। मैंने लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी में काम किया, जितने और लोगों के नाम चल रहे होंगे मुझे पता नहीं किस किस के, तो उसमें ज़रूर मेरे से ज़्यादा काम करने वाले लोग कम ही होंगे। मैं भाजपा का जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ, मैं भाजपा का जिले का महामंत्री भी रहा हूँ, मैं 7 साल विभाग का संयोजक भी रहा हूँ, मैं क्षेत्र का 4 साल मंत्री भी रहा हूँ, मैं 8-9 साल क्षेत्र का अध्यक्ष भी रहा हूँ, मैं सरकार में मंत्री भी रहा हूँ। तो मुझे संगठन का कार्यकर्ता के नाते मेरी पहचान है, मुझे मेरी पार्टी ने ये अवसर दिया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते दिया है। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं पश्चिम से आता हूँ और जाट समुदाय से आता हूँ। हम लोग बीजेपी से बहुत प्यार करते हैं, हम लोग राष्ट्रभक्त लोग हैं,
आप देखोगे उत्तर प्रदेश में जो पहले चरण का चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश विधानसभा का, उसमें जिले थे आगरा, अलीगढ़, मथुरा, बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। ये इन जिलों में पहले चरण में चुनाव था। सबसे ज़्यादा आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र यही है, यही जिले हैं। और जिस किसान वर्ग की बात कर रहे हो उसमें भी 70% 80% आबादी पूरे प्रदेश की इन्हीं 58 सीटों में, सारी सीटें 9 की 9 आगरा बीजेपी जीती है, अलीगढ़ की सारी सीटें बीजेपी जीती है। पूरे प्रदेश में सर्वाधिक आबादी जाटों की मथुरा में है, 30% सारी सीटें बीजेपी जीती है, कोई सीट नहीं है। मांठ जैसी सीट जो कभी बीजेपी नहीं जीती इस बार जीती है, और बड़े अंतर से बीजेपी जीती है। बुलंदशहर की सारी सीटें बीजेपी जीती है, नोएडा की सारी सीटें बीजेपी जीती है, गाजियाबाद की सारी सीटें बीजेपी जीती है, हापुड़ की सारी सीटें जीती बीजेपी जीती है। पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में सर्वाधिक अगर स्ट्राइक रेट से कोई सीटें जीती हैं 58 में से 46, तो आप आकलन करो उत्तर प्रदेश का वही हिस्सा है जिसको आप प्रश्न बार बार खड़े करते हैं। पार्टी की नीति है कि हम परिवारवाद के विरोध में हैं, और हम पार्टी का संकल्प है कि हम उस तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे, हम लोग परिवारवाद के खिलाफ हैं। हाँ, निश्चित रूप से हम इस तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे।